हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मुकेश बड़गुजर। अभी अपन देखने वाले हैं यहाँ पे हमें बहुत सारे लोग सजेशन देते रहते हैं कि भाई तू ये कर ले, तेरा स्टैमिनिंग का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, कि भाई तू वो कर, तू ये कर। हम बहुत सारी चीज़ें करके भी देखते हैं लेकिन अपना प्रॉब्लम इतना सॉल्व नहीं होता है। तो देखिए अभी अपन मैं आपको बोलता हूँ सजेशन क्या क्या होते, कैसे होते, कौन सा काम का है, कौन सा नहीं काम का है, वो अपन देखेंगे, ठीक है। तो बात ऐसी है कि सबसे पहला सजेशन रहता है डॉक्टर का। तो डॉक्टर के पास जा, वो कुछ ऑपरेशन वगैरह अगर आपको करने को बोलेंगे तो वो ऑपरेशन वगैरह तू करता रहे, और अगर कुछ गोलियां वगैरह देंगे तो वो ले ले भाई। हाँ ठीक है। उसके बाद में अगर कुछ तेरे गले में प्रॉब्लम होगा भाई, ऐसा वैसा कुछ, वो सॉल्व करवा ले डॉक्टर से, या फिर तू स्पीच थेरेपी करवा ले उससे। स्पीच थेरेपी से आप वो तेरे को व्यायाम वगैरह दे देंगे, उससे तेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। या फिर देखिए अभी आयुर्वेदिक में ना बहुत सारे उपाय है इसके लिए। तो देखिए जब आपको कुछ अगर आप तोतले बोलते हो, ठीक है, या फिर आपके कुछ प्रॉब्लम है आपके गले में, ठीक है, तो आपने कुछ आयुर्वेदिक उपचार करने चाहिए जो मैंने करे हैं, और उनसे फ़र्क पड़ता है लेकिन इतना नहीं, थोड़ा बहुत, ठीक है, थोड़ा बहुत मतलब, लेकिन वो इफ़ेक्टिव रहता है। बात ऐसी है कि वो इफ़ेक्टिव है, मतलब कुछ ना होने से कुछ होना अच्छा है ना, ठीक है। तो बात ऐसी है आयुर्वेदिक में मैं एक फूल रहता है, अक्कल खरा नाम है उसका, अक्कल खरा मतलब वो अक्कल बढ़ाने में काम नहीं आता है, वो अपना जो प्रॉब्लम है ना वो सॉल्व करने में वो काम आता है, ठीक है। देख अक्कल खरा इतना सा फूल रहता है, और इसका उसका जो पेड़ रहता है वो इतना सा रहता है, मतलब पेड़ तो नहीं बोल सकते उसको, रोप बोल सकते हैं अपन, इतना सही रहता है, इतना सही रहता है। आप आपके आंगन में आपके ऊपर इधर उधर लगा सकते हो। अक्कल खरा नाम का रहता है, उसका नाम है, छोटा सा फूल रहता है, येलो कलर का, वो आप नेट पे सर्च कर सकते हो, आपको मिल जाएगा। और आपके आसपास अगर कुछ बोहरी की दुकान रहती ना, वो कुछ आयुर्वेदिक सामान देता है, तो उसके पास वो रहता ही है, तो उसके पास सूखा वाला रहता है, सूखा हुआ रहता है, तो आप वो सूखा वाला लेके आने का, और उसको ज़मीन में डाल के आप एक मतलब उसके बहुत सारे रोप उग जाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद में आप उनके जो फूल जब बढ़ेंगे वहाँ पे आएंगे तो उनको आप खा के देखिए उनको खाना कैसे है, तो उनको खाने की भी एक मतलब वे है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा तोड़ने का, मतलब अपना अगर आपने जेंडू का फूल देखा होगा ना, तो उसी टाइप में उसको भी ना बहुत छोटे छोटे पत्ते रहते हैं, ठीक है, उसको तोड़ने का छोटा सा, और अपने मुंह में यहाँ पे रखने का, और जहाँ पे अपन देखे यहाँ पे ऐसे रखने का यहाँ पे, और उसको ना अपने सामने के दांतों से उसको चबाना है, और उसको अपनी जीभ लगानी है, मतलब चबाते हुए उसको अपनी जीभ लगानी है, सामने के दांतों से ही उसे चबाना है। आप आजू बाजू के दांतों से भी उसको चबा सकते हैं लेकिन उससे इतना असर नहीं होता है, ठीक है। सामने वाले दांतों से अगर आप उसको खाओगे तो अच्छा रहेगा, उसको खा लेना है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती उससे, मैं बचपन से खाता आ रहा हूँ उसको, ठीक है। वो है अपना अक्कल खरे का फूल, ठीक है। उसके बाद में पोपट का उदाहरण लोग बहुत देते हैं, उससे तो मुझे लगता तो है नहीं कि उससे कुछ सॉल्व होता है, कि भाई पोपट मतलब जो रहते ना पंछी पोपट या फिर चिड़िया, उन वो जो फल खाते हैं पेड़ के ऊपर के, तो वो जो झूठा फल रहता है उसको तू खा ले, तेरा प्रॉब्लम डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद में ऐसा भी लोग कहते हैं कि जो चिड़िया रहती है छोटी सी, उसको मुंह में रख, जब वो चूचू करेगी तेरे मुंह में तब तेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, तो ऐसा भी नहीं होता है, ठीक है।
उसके बाद में बस इतना। और कोई तो ऐसे भी कहते हैं कि मछली रहती है कोई टाइप की, उसको मुंह में रख के छोड़ देने का, उससे भी तेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। नहीं, इससे भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों से अपना प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होएगा। आपका प्रॉब्लम जो होगा वो अपने आने वाले वीडियो में आपको बोलूँगा कि 100% मैं बोलने वाला हूँ, पूरा खोल खोल के रख देने वाला हूँ कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व होना ही चाहिए। कैसा मेरा हो रहा है तो आपका भी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में ना प्रॉब्लम आपको कहाँ पे नहीं आता है, ठीक है। मैंने अगर आपने अपनी पिछली वाली वीडियो देखी होगी तो वहाँ पे मैंने बात करी है कि आपको प्रॉब्लम कहाँ कहाँ पे आता है। तो अभी अपन बात करेंगे कि आपको प्रॉब्लम कहाँ कहाँ पे नहीं आता है। तो सबसे पहले अपना फ्रेंड सर्कल, वहाँ पे आप कुछ भी बोलते हो आपको प्रॉब्लम नहीं आता है, बात सही है ना, ठीक है। उसके बाद में आपका घर, आपके घर मतलब आपके घर के अंदर के जो लोग हैं, जो मम्मी पापा बहन भाई, इनके साथ आप कैसे भी बोलो आपको बोलने का प्रॉब्लम नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। इनके पीछे ना रीज़न है, इनके पीछे रीज़न है क्यों नहीं आता है। उसके बाद में अगर आपके कोई पहचान वाले लोग हैं, पहचान वाले मेहमान आपके घर में आ गए, तो उनसे भी आप अगर बोलोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद में आप अकेले हो घर में और आप बोल रहे हो, अपना ही अपना बड़बड़ा रहे हो, तब भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद में क्या है, हाँ, जब आप गाना गाते हो तो गाने गाते वक्त भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो चीज़ें हैं, इन सारी जगहों पे हमें प्रॉब्लम नहीं आता है। तो वो क्यों नहीं आता है, प्रॉब्लम वहाँ पे क्यों नहीं आता है, और मैंने जब बोला था वो वाली, तो वो वहाँ पे हमें प्रॉब्लम क्यों आता है, ठीक है। ये जो दो डिफरेंस है, यहाँ पे प्रॉब्लम आता क्यों है और वहाँ पे नहीं क्यों, मतलब क्यों नहीं आता है, तो ये अपन डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।